और सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो यहाँ पे पेश किया जाता है कि ये कोई मसलकी फसाद होने का खदशा था। ये तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रंग देने की कोशिश की गई है सिर्फ इंतजामिया की तरफ से। इसी तरह दियोबंदी मकतबे फिक्र के साथ साथ अहले हदीस मकतबे फिक्र के लोगों के मराकज़ के सामने से हम गुजरते हैं, कभी इंसिडेंट नहीं हुआ। अलामा साहब, आपको जैसे पता है कि अक्टूबर और नवंबर सड़कों और धरनों की सियासत का महीना है, इमरान खान साहब भी लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है किसी साजिश के तहत आपको सड़कों पर निकालने की कोशिश तो नहीं हो रही? कोई इंतशारी ग्रुप, कोई भी ऐसी चीज़ एक्टिव है जो आपको सड़कों पर लाने के लिए बात कर रहे हैं? देखिए, इसका यही बात तो अमीर मोहतरम ने की है कि उन लोगों का तायुन करें अगर कोई ऐसी सूरत हाल है। फिर अगर आप इसमें से निकालना चाहते हैं इमरान खान को कि भाई उसका कसूर नहीं है, कोई और है कि जो आपको लाना चाहता है, तो सवाल यह है कि उस अकल के अंधे को पता नहीं है कि भाई एक फिंसी को जानबूझ के जो है फोड़ा बनाया जा रहा है, उसको कैंसर बनाया जा रहा है, उसको किस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस रियासत में आप कुछ एरियाज़ को नो गो एरियाज़ बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो यहाँ पे पेश किया जाता है कि ये कोई मसलकी फसाद होने का खदशा था, ये कोई ऐसा मामला था, फिरकावारी थी। अलामा साहब, एबटाबाद के अंदर कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक पूरे पूरे व्लॉग्स किए हैं कि इसके अंदर केपीके की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये मसलक, ये जो मसलक है ना, ये मसलक की आपस में जंग है और उन्होंने ये मामला किए हैं। जो केपीके की पुलिस है वहाँ, वो तो आटे में दाने के बराबर थी वहाँ पर, ये तो सारा काम ही आपसी मसल की जंग की वजह से हुआ है, वो केपीके की पुलिस को साइड पे कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप इसके रिलेटेड और भी कुछ सवाल है तो आप ले लें, मैं कठे ही जवाब दे सर। दूसरा सवाल ये है कि आप और अनस रिजवी साहब फ्रंट एंड पे लीड कर रहे थे, सारे मामले को देख रहे थे, क्या कारकुनान को मौके पर रोका नहीं जा सकता था कि यार आप आगे मत जाएँ ताकि ये जो शहीद हुए हैं ये बच जाते हैं? क्योंकि ये सवाल बार बार लोग कर रहे हैं कि ये तो किलोमीटर्स में कहते हैं ना हमारे पास लोग, 3 किलोमीटर आप तो ये कहते हैं कि कैसे आपको नजर आ रहा था कि फ्रंट के ऊपर कोई मसला नहीं हुआ, आपको कैसे पता कि फ्रंट पे कोई मसला नहीं हुआ? और उधर पहले भी कभी इस तरह का आप लोग रैली की शक्ल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेके काफिला निकले हैं, तो पहले भी कभी ऐसा हुआ या फर्स्ट टाइम ये हुआ है? अच्छा अलामा साहब, मैं भी ऐड करता हूँ, एक और मैंने क्लिप देखा, कहा जा रहा है कि उधर जाना मना था लोगों का, वहाँ पे एक इत्तेफाक राय से चीज़ ये डिसाइड की गई थी कि वहाँ पे इस तरह की जो और भी कोई इस सवाल के रिलेटेड जो भी सवाल है वो कठे ही कर दें, मैं फिर कठे ही उसका जवाब दूँ। बिस्मिल्लाह, जो आप सबके सवाल का खुलासा उससे मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि जनाब ये मसलकी इसको रंग दिया जा रहा है कि ये मसलकी इख्तलाफ था और इस मामले में ये झगड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं कि लाहौर में क्या शिया सुन्नी दियोबंदी मसाजिद नहीं है, मराकज नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या यहाँ से जुलूस नहीं निकलते? निकलते हैं, निकलते हैं। मे बी के लाहौर में या कराची में या हज़ारा में ऐसा होता हो कि शिया और दियोबंदी कम्युनिटी का आपस में कोई इस तरह का सख्त क्लैश हो, लेकिन हम यहाँ से जब कहीं गुजरे हैं अब, या हमारे सामने से अभी करबला गामी से जुलूस निकले हैं, यहाँ से टोलियों की टोलियाँ यहाँ से गुजरी हैं, कभी किसी बंदे ने नहीं देखा यहाँ तसादुम हुआ। यहाँ जब हम जुलूस निकालते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, दियोबंदियों के बहुत बड़े मराकज़ से हम गुजरते हैं, कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। इसी तरह दियोबंदी मकतबे फिक्र के साथ साथ अहले हदीस मकतबे फिक्र के लोगों के मराकज़ के सामने से हम गुजरते हैं, कभी इंसिडेंट नहीं हुआ। ठीक है, हमारा मामला इसलिए अलग है कि पाकिस्तान में जब से भी तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह की बुनियाद क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने रखी है तो फिरका वारियत का दूर दूर से इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हमारे साथ कोई ऐसा मामला हुआ है, तो इसको उनके साथ जोड़ना वैसे भी नामुनासिब है। पहली चीज़ कि हमारे साथ कभी किसी ने यह नहीं कहा कि यहाँ पर आए। जो सबसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन साफ़ी हजरात की आदत होती है वो बाल की जो है वो खाल उतार के कुछ ना कुछ निकालने की, कि जनाब वहाँ पे मरकज़ है सिपाही साहबा का, तो सिपाही साहबा के मरकज़ की वजह से खर्चा है कि जहाँ ये आगे जाते तो उनको ये मसला था और ये क्लैश जो है बेसिकली ये लबैक का और सिपाही साहबा का क्लैश। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई सूरत हाल इसलिए नहीं है कि हमें तो पहले भी नहीं पता था कि भाई इस मामले में कोई आगे लड़ाई है। जब रात के वक्त सिपाही साहबा की क्यादत को इस बारे में पता चला है कि कोई इस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो मौलाना मुआविया आज़म का रब्ता हुआ मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ, ऐसा कोई मामला हमारी तरफ से नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको मौलाना औरंगज़ेब फारूकी कॉल करेंगे, फिर उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा हवेलियाँ मेरा इलाका है, जो ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आपसे मसला है तो हमें कहते हैं हम आ जाते हैं आपके पास, आपको लेके आते हैं।
उस मस्जिद की इंतजामिया जिस मस्जिद के बारे में कहते हैं उन्हें भेज देते हैं, वो आपको वेलकम करते हैं, आप आएँ वहाँ पर जुलूस करें, हमें कोई मसला नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रंग देने की कोशिश की गई है सिर्फ इंतजामिया की तरफ से, और हमें जिस वक्त इस बारे में इल्म हुआ कि ये आगे ये खेल खेलना चाहते हैं, हमने इस खेल को रोकने के लिए ही जुलूस पहले जो है ना ख़त्म किया है, दुआ की है कि कहीं आगे जाके, क्योंकि हमें ये खबर मिली थी उस वक्त कि आगे जाके ये इस तरह का वकूआ हो सकता है कि ये सिपाही साहबा के लोगों को भी मारें और आपको भी मारें और फिर ये बरेलवी देवबंदी जंग की तरफ इसको ले जाया जाए और उस तरफ ले जा के पाकिस्तान में एक शाम इराक बनाने वाला जो है काम किया जाए, बावजूद कारकुनान के शदीद जो है दबाव के, हालांकि हमारे कारकुनान के लिए कोई मसला नहीं था। ये क्या रुकावट थी? आपने देखा वजीराबाद की रुकावटों के आगे ये कोई रुकावट तो नहीं थी, फैज़ाबाद की रुकावटों के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं थी, हमारा आगे जाना कोई मसला नहीं था, ना हमें किसी का भार था, ना DPO का भार, ना DC का, ना ही इनकी फोर्सेस का, ना रेंजर का, ना किसी का भी हमें डर नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि जिस वक्त इसको शाम रात बनाने की कोशिश की गई तो हमने अपने मुल्क को बचाया, और अगली बात कि फिरका वारियत की जो है जंग उससे पाकिस्तान को बचाया है कि कहीं फिर इन्होंने बाद में क्या कहना था, ये जो मौलवी है ना, ये देखें जनाब, ये पाकिस्तान में अमन नहीं होने देते, कि ये जितने भी लोग हैं पाकिस्तान की आवाम अब तमाम लिबरल जमातों से नक्को नक हो चुकी है, वो कहते हैं ये मुनाफिक लोग हैं, ये एक पाँच साल एक बुरा होता है, पाँच साल अगले जनाब वही अच्छा हो जाता है, तो इस लोटाक्रेसी की सियासत से बेहतर है एक बार इस्लाम आ जाए। तो इस्लाम की जो शक्ल है उसकी तरफ लोगों का मायल होना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इनको आपस में मजहबी तबकात को लड़ा कर ये कोशिश की जा रही थी कि जनाब यहाँ पे खून खराबा हुआ, और फिर बाद में यही लोग कहें जनाब हम ना कहते थे कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहिए और इनको कलदम किया जाए, तो इस इनकी साजिश को हमने नाकाम बनाया। और जब हम वापस आ रहे हैं तो फिर इनको इसी बात का गुस्सा कि ये हमारे 98% जाल में आए हुए लोग अचानक क्यों वापस जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने पीछे से जो है ये हमला किया। हम कहते हैं कि उन लोगों को बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि जब आपका मसला उस पुल के पार था, ब्रिज के इधर आके बख्तर बंद गाड़ियों में बैठ के फायरिंग करने का क्या मतलब है? अब अगर वो कहते हैं वो कोई और थे तो उन लोगों को ढूंढने के जो आपकी वर्दियों में थे मलबूस और उन्होंने हमें आके मारा है, तो उनको ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। और रही बात कि एक साथी अभी कह रहे थे आपको किस चीज़ का गुस्सा है गवर्नमेंट के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, तो हम ये कहते हैं कि उनको ये तो पता होता है कि जनाब आने वाले इंटरव्यू में क्या कहा जा रहा है, और उसको फ़ोन आ जाते हैं कि जनाब आपने ये बात करनी है और ये नहीं करनी, तो वो अक्ल के अंधे हैं कि जिन लोगों को ये पता नहीं है कि पूरा दिन सर्विस बंद है तो क्यों सर्विस बंद है, वो पाकिस्तान के अपने आप को मामे कहते हैं, तो वो बताएं ना कि जनाब आला के उनकी आंखों के सामने पूरा दिन यहाँ पर सर्विस बंद होती रही है, आगे क्या चलता रहा है ये सारी चीज़ों का पता है, तो आपको इस चीज़ का पता नहीं है तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने कलीदी अहदों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हुब्बुल वतनी के आप सर्टिफिकेट मांगते हैं और गद्दारी के सर्टिफिकेट आप मांगते हैं, तो आपका जिम्मा नहीं बनता था कि इस शर को ख़त्म किया जाए? अगर इस शर की वजह DC है तो उस लाइन को उस लानती को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाता, अगर DPO है तो उस खबीस को जो है कैफर किरदार तक पहुँचाया जाता, लेकिन जो भी है इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाने का हमारा मुतालबा है कि DC DPO के ऊपर हमें एतबार नहीं है, फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हाई कोर्ट KPK जो है उसको उसकी सरबराही के अंदर ये कमीशन बने और वो तायुन करें उन जिम्मेदारों का, और जो हमारे शहदा की FIR नहीं होने दी जा रही और उसके शहदा के पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिए जा रहे, तो इसके दरमियान जो भी रुकावटें हैं उसको दूर किया जाए।